हेलो फ्रेंड्स मां सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है डी एफ पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव एस इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई पोस्ट कोड 32 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर 2018 में कंडक्ट हुआ था और ये इस सीरीज का पार्ट टू है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे डी के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेडिकेटेड एक कोर्स कोर्स हमारे ऐप पर स्टार्ट हुआ है ये कोर्स जो है है जो पोस्ट कोड 32 के लिए है। इसमें आपको टेक्निकल सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है जिसमें आपकी थ्योरी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस कवर होंगे और इसके साथ साथ आपको इसमें हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे जो क्लासेस आपको करवाई जा रही हैं उनके हैंड रिटेन नोट्स ताकि आप इनको रिवीजन करने में आपको आसानी हो इनसे आप नोट्स आसान तरीके से बना सकें इसके लिए जो फीस है वो सात सौ निन्यानबे रुपए है लेकिन पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस को रखा गया है पांच सौ निन्यानवे रुपए तो अगर आप ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो 200 स्टूडेंट्स के अंदर पहले पहले आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा सर्च करना होगा हमारा ऑफिशियल ऐप जिसका लोगो कुछ इस तरीके से है तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप चाहे तो ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहां से भी जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद इसको रजिस्टर कीजिएगा रजिस्टर करने के बाद स्टोर वाले टैप पर जाइएगा यहाँ पर आपको कोर्स के बारे में डिटेल दिखाई गई है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी के ऑप्शंस आपको मिलेंगे बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा वहां से आप इससे जुड़ पाएंगे तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा हमारा ऑफिशियल ऐप माँ सरस्वती क्लासेस इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स से जरूर जुड़िएगा तो यहाँ पर अगर हम पार्ट वन की बात करें तो हमने दस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसमें हमने स्टार्टिंग के दस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां से आप जाकर के देख सकते हैं अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें देखते हैं इसमें कहा गया है द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर अ सेमी कंडक्टर इज आप जानते हैं कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो पहले तो हम अगर इसको इलेक्ट्रिकली फॉर्मेट में बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं सबसे पहले हमारा एक कंडक्टर होता है ठीक है इसके अलावा यहां पर हमारा एक सेमी होता है और इसके अलावा यहां पर हमारा एक इंसुलेटर होता है इनकी अगर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को देखा जाए तो उसके लिए दो बैंड की जरूरत होती है कंडक्शन बैंड होता है और एक यहां पर आपके बैलेंस बैंड होता है बैलेंस बैंड को सोजकता सह बंद कहते हैं और कंडक्शन बैंड को चालन बंद कहते हैं हिंदी में तो ये कैसे होते हैं कि आपका जो बैलेंस बैंड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है यहां पर आप देख पा रहे होंगे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बैलेंस बैंड हो गया और ऊपर चल के अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका कंडक्शन बैंड होता है हालांकि जो आपके कंडक्टर होते हैं उसमें ये ओवरलेप होता है यहाँ तक ये कंडक्शन बैंड होता है और यहाँ तक ये बैलेंस बैंड होता है तो यहां पर इस बैंड से मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस बैंड में है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपके जो एटम्स होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल में इस तरीके से मूव करते रहते हैं तो ये मूव कर सकते हैं सिर्फ अपनी आउटर मोस्ट सेल में ही होते हैं यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी मिल जाती है तो ये कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में मूव करने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है तो यहां पर जो आपका एटम था जो इस पर फोर्स लगा रहा था ये एटम की जो फोर्स की पावर है वो आपकी बाहर की एनर्जी के कारण कम हो गई है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आपका अपनी कक्षा से बाहर आ चुका है अपनी कक्षा से बाहर आने का मतलब कि ये अपनी कक्षा को छोड़ चुका है हालांकि है वो उसी एटम में तो ये इलेक्ट्रॉन पर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारे किसी भी मटेरियल में जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो पा रही है वो हो पाती है तो ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं अब यहां पर आपकी बात की जाए तो इसमें एक नया टर्म आया है जिसमें कहा गया है कि नियर टू फर्मी लेवल देखिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो सेमी कंडक्टर में होते हैं वो ओवर तो होते नहीं है ओवर होते किस में है तो ये कंडक्टर में होते हैं इसके अलावा कांट कांट से कांट से इसका मतलब ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता तो ऐसी बात भी नहीं है नेक्स्ट यहाँ पर फॉर फॉर अ पार्ट फॉर ईच अदर तो ये कंडीशन भी नहीं है अब यहां पर है नियर टू फर्मी लेवल फर्मी लेवल क्या होता है सबसे पहले उसको जान लेते हैं फर्मी लेवल कुछ भी नहीं है फर्मी लेवल एक ऐसा एनर्जी का लेवल होता है जिसमें हम अपने मटेरियल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की होल और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनके बराबर होती है और जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें क्या होता है कि फर्मी लेवल की अगर बात की जाए तो वो बीचों बीच पाया जाता है फर्मी लेवल एक प्रकार से ऐसा ग्रेविटेशनल आपके तरीके से इसको फोर्स कह सकते हैं कि ये बीच के बीच में रहता है यहाँ पर जैसे आपका प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल तो इसमें कंडक्शन बैंड और यहाँ पर बैलेंस बैंड होगा बीच में कुछ एनर्जी लेवल का गैप होगा ये बीच में कुछ एनर्जी लेवल का गैप होता है तो यहां पर ये यह फर्मी लेवल प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि बीच के बीच पाया जाता है एकदम बीचों बीच पाया जाता है बैलेंस होता है एकदम तो ये कह सकते हैं कि यहां पर ये एक ग्रेविटेशनल आपका सेंटर के बीच पाया जाने वाला जो लेवल होता है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं लेकिन जैसे ही आप इंप्योरिटी को मिलाते हैं तो यहां पर दो कंडीशन आ जाती है इंप्योरिटी मिलाने का मतलब यह है कि जब आप सेमी मटेरियल को प्योर सेमी मटेरियल को या तो आप बना रहे हैं या फिर आप इसको एन टाइप बना रहे हैं एन टाइप बना रहे हैं राइट एन टाइप आप पी टाइप मिला रहे हैं तो इसमें आपकी ट्राइबल एंट इम्प्योरिटी होगी ट्राइबलिटी का मतलब कि आपके आउटर मोस्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे जो भी आप इंप्योरिटी मिलाएंगे उसकी और एन टाइप मिला रहे हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो अगर आप यहां पर पांच इलेक्ट्रॉन मिला रहे हैं जैसे कि एन टाइप बन रहा है तो ये पांच इलेक्ट्रॉन मतलब हो रहा है यहां पर कि ये किस प्रकार की इम्प्योरिटी है ये डोनर इम्प्योरिटी है ऐसी इंप्योरिटी है डोनर इम्प्योरिटी इन सभी चीजों को आप नोट करते जाइएगा इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार और ये जो आप थ्री टाइप की यानी कि थ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ये होती है आपकी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जब हम एन टाइप मटेरियल बनाते हैं N -type का material बनाते हैं, डोनर इम्प्योरिटी को मिला देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो फर्मी लेवल यहां पर अभी बैलेंस में था बीच बीच था बिल्कुल ये फर्मी लेवल क्या हो जाता है अप हो जाता है अप होने का मतलब कि आपका जो फर्मी लेवल है वो आपके यहां पर ग्रेविटेशन सेंटर से ऊपर चला जा गया है फर्मी लेवल कैसा हो गया है ग्रेविटेशन सेंटर से अगर मान लीजिएगा ग्रेविटेशन सेंटर यहाँ पर ये था तो फर्मी लेवल यहां पर पहुंच चुका है कब हुआ है ये जब आपने एन टाइप की इम्प्योरिटी को मिलाया है और जब आप टाइप की सॉरी पी टाइप का मटेरियल बनाते हैं तब आपका जो फर्मी लेवल होता है वो कहा नीचे की ओर मूव कर जाता है नीचे की ओर मूव करने का मतलब कि ये आपके बैलेंस बैंड की ओर मूव कर गया है जबकि एन टाइप मटेरियल में आपका जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की ओर मूव कर गया है तो ये होता है फर्मी लेवल अब यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि द बेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर अ सेमी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो बैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं वो क्या होते हैं तो वो आपके फर्मी लेवल के पास ही होते हैं नियरर टू फर्मी लेवल नियरअर टू फर्मी लेवल ये आपने देखा अगर हम प्योर की बात करें तो ये फर्मी लेवल के पास ही है और यहां पर भी आप देख रहे होंगे तो फर्मी लेवल शिफ्ट हो रहा है और ये फर्मी लेवल के पास ही है इतना ज्यादा इनमें एनर्जी गैप नहीं होता है कि आप इसके एनर्जी गैप को फिलअप ना कर सके तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसकी पूरी पिक्चर होती है तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नियरर टू फर्मी लेवल उम्मीद है कि आपको फर्मी लेवल जो है इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिरकार फर्मी लेवल होता क्या है अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके कंसेप्ट को आप एक बार सीख लीजिएगा और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और सीख लीजिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एन एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन गेन एंड 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 ऑफ सॉरी है जो आपका वोल्टेज गेन है वो टेन है और जो आपका करंट गेन है वो हंड्रेड है आपसे पूछा है कि वोल्टेज गेन करंट गेन और पावर गेन को आपको डेसीबल में निकालना है डेसीबल में आपसे पूछा गया है तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा एम्पलीफायर जो होता है उसका वोल्टेज गेन और करंट गेन आपको बताया गया है वोल्टेज गेन अगर इसको बात करें तो ये ए बी हम इसको मान सकते हैं ये टेन होता है करंट गेन की अगर हम बात करें तो ये करंट गेन है आपका एसी इसको इस तरीके से मान सकते हैं यह आपका हंड्रेड यहां पर दिया हुआ है ठीक है पहले तो हम इसके सिंपल से फॉर्मूले को देख लेते हैं कि ये जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है आखिरकार कैसे निकले हैं तो इनके लिए फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नोट कर लेना अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें वोल्टेज गेन की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वोल्टेज आउट अपॉन वोल्टेज इन जब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आपकी वैल्यू रेशियो में निकलती है जैसे कि यहां पर पहले से दी हुई है ठीक है इसी तरीके से अगर करंट गेन निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा करंट गेन निकालना चाहे तो इसके लिए होता है आपका आई आउट अपॉन आई इन जैसे कि यहां पर दिया हुआ है और ये

वो पावर गेन निकालेंगे आप वोल्टेज गेन जो आपका वोल्टेज गेन होगा इसको वोल्टेज गेन और मल्टीप्लाई कर देना अपने करंट गेन को पावर गेन आपका निकल आएगा कैसे में निकलेगा ये ये आपके रेशियो में निकलेगा जैसे यहां पर दिया हुआ है तो ये सभी फॉर्मूले को नोट कर लेना इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछे जाए सिंपल से तो वो आपको बन जाने चाहिए अब यहां पर हम बात करते हैं अपना जो हमें निकालना है कि यहां पर डीबी में हमें निकालना है डी में कि उसने क्वेश्चन में दिया है ए बी कितना दिया है टेन और ए सी कितना दिया है हंड्रेड यही दिया है तो यहां पर अब हम निकालते हैं अपने यहाँ पर पावर गेन और निकाल देते हैं पावर गेन क्या हो जाएगा टेन इंटू हंड्रेड तो ये आपका पावर गेन भी कैसे रेशियो में निकल के आ गया वन थाउजेंड एक हजार अब हमें डीबी में निकालना है तो ए बी इन डीबी एवी एंड डीवी का मतलब ये होगा कि डेसिबल में हमारा पावर गेन क्या होगा डेसिबल के लिए पावर गेन के लिए एक फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है 20 लॉग 10 एवी इस तरीके से ये फार्मूला होता है तो इस फार्मूले में हम अपने एवी की वैल्यू को रखेंगे एवी कितना है 10 दिया हुआ है तो यहां पर 20 लॉग 10 और यहां पर 10 रख देंगे इसकी जो अगर टेन लॉक टेन की वैल्यू की बात करें और ये टेन में कितनी होती है अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि अगर टेन लॉक टेन इस तरीके से पूछा जाए तो हमारे पास लॉक टेबल तो होगी नहीं फिर हम कैसे निकालेंगे तो ये बहुत ही आसान होता है यहाँ पर अगर इस वैल्यू की बात की जाए इस पर्टिकुलर वैल्यू की तो इसकी वैल्यू होती है वन तो यहाँ पर ट्वेंटी मल्टीप्लाई आप वन कर देना वन तो ये आपका ट्वेंटी डीबी में निकल के आ गया ट्वेंटी डीबी में ट्वेंटी डीबी में आपका वोल्टेज गेन निकल के आ जाता है इसके बाद अब आपको निकालना है एसी करंट गेन करंट गेन वो भी कैसे में डेसी वाल में निकालना है करंट गेन भी निकालते हैं तब भी हमें ऐसा ही अप्लाई करना है ट्वेंटी लॉग टेन ए कर दिया अब आपका ट्वेंटी हो गया लॉग हो गया वो भी टेन के बेस में हो गया और यहां पर ए कितना है हंड्रेड है तो ये आपका हंड्रेड हो गया हंड्रेड अब यहां पर आपका 20 तो पहले से लिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू होती है टू ध्यान रखना जहां पर आपका वन जीरो है तो यहां पर जीरो के अकॉर्डिंग आप इसको याद रखना कि टेन टेन जो वैल्यू होती है उसकी अगर बात करें तो यहां पर वन हो जाएगी यहां पर अगर हंड्रेड है तो वो टू हो जाएगी इस जीरो के अकॉर्डिंग और ऐसे ही यहां पर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन तो यहां पर यह कितना आ जाएगा आपका फोर्टी डीबी फोर्टी डीबी डीबी निकल के आ गया अब आपसे पूछा था क्या पावर गेन पावर गेन के लिए हमने हमारे पास दिया हुआ नहीं था एपी जो रे, रेशियो में पावर गेन नहीं दिया था तो हमने रेशियो में पहले पावर गेन को इस तरीके से निकाल लिया अब अगर हम पावर गेन डीबी में निकालते हैं तो डीबी में क्या हो जाएगा हाँ यहां पर ध्यान देना अब पावर गेन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो टेन लॉक टेन होता है टेन लॉक टेन कैसा होता है यहां पर ट्वेंटी ट्वेंटी हो रहा था लेकिन यहां पर पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो टेन लॉक टेन एपी इस तरीके से हो जाएगा तो यहां पर टेन लॉक कीजिएगा इसको लॉक टेन यहां पर एपी कितना है आपका वन थाउजेंड एक हजार इस तरीके से तो इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू होगी थ्री तो टेन मल्टीप्लाई थ्री ठीक है बस जीरो का ध्यान रखना कि लॉग के पीछे जितने जीरो हैं उतना आपको कर देना है इसका तो यहां पर थ्री होगा तो यहां पर थर्टी डीबी इस तरीके से ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये आपका आंसर निकल के आ गया तो क्या क्या वैल्यू निकली हमारे पास अगर हम देखें तो पावर गेन ट्वेंटी निकला फिर इसके बाद हमारा करंट गेन फोर्टी निकला

चेंज कर देता है आउटपुट डीसी लेवल में शिफ्ट कर देता है जैसे यहां पर अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं यानी कि आउटपुट पर जो हमें सिग्नल मिलता है पहले तो हम इनपुट सिग्नल को देखते हैं कि जब भी हम क्लेम पर इनपुट uh, सिग्नल देते हैं तो वो कैसा होता है वो कुछ इस तरीके का सिग्नल हम इस पर अप्लाई करते हैं राइट यहां पर क्या हो जाता है प्लस वी एम यहां पर जीरो होता है यहां पर माइनस वी एम और ये क्या हो जाता है न्यू आई ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो टी यहां पर हो गया ठीक है ये इसकी वीएम लेवल हो गया ये यहां पर इसका माइनस बी एम लेवल हो गया जब ये डीसी लेवल को शिफ्ट कर देता है तो कैसा बनता है यहां पर अगर हम पॉजिटिव पर ध्यान दे लें पॉजिटिव पर ध्यान का मतलब इसके लिए पॉजिटिव अलग होगा नेगेटिव अलग होगा तो हम मान लीजिएगा यहां पर पॉजिटिव पर शिफ्ट कर रहे हैं इसको पॉजिटिव लेवल पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा जो सिग्नल शिफ्ट होगा वो यहां पर यहां पर जीरो रहेगा यहां पर ये यह सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर कुछ इस तरीके के सिग्नल्स को शो करेगा इस तरीके से शो करेगा यहां पर क्या होगा प्लस बी एम यहां पर हो जाएगा प्लस टू बी एम और ये आपका न्यू जीरो यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपने देखा कि जो नीचे साइकिल आनी थी वो ऊपर ही हो गई शिफ्ट

कैसा है आपका डेसिमल कोड है जब आपको कोड पता ना चले तो यहाँ पर बेस को देख लिया जी की, कीजिए अगर टू लिखा है तो बाइनरी कोड है एट लिखा है तो वो ऑक्टल है यहाँ पर टेन लिखा है तो वो आपका डेसिमल में है और अगर सिक्सटीन अगर बेस लिखा हुआ है तो वो आपका हेग्जेशमल में है एग्जामिनर यही करता है कि यहाँ पर बताता नहीं है कि कौन सा कोड है ये फिर आपको अपने आप से देखना पड़ता है कि यहाँ पर बेस क्या लिखा है तो ये कोड आपको इस डेसिमल को आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना है बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको यहां पर मैंने आपको एक बहुत पहले और हर बार मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि बीसीडी जो होता है वो आपका यहां पर कोड निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं एट फोर टू वन एट फोर टू वन अगर हम थ्री की वैल्यू निकालना चाहें यहां पर लिख लेते हैं थ्री यहां पर फोर और यहां पर फाइव जब हम थ्री की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें इस एट फोर टू वन में कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी होती है कि इनका टोटल थ्री बन जाए अगर मान लीजिएगा टू हम यहां पर टू और इसको प्लस को वन कर लेते हैं और इसको जीरो कर देते हैं प्लस इसको भी जीरो कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा थ्री ये टोटल जो टोटल यहां पर होगा वो थ्री होगा अब हम यहां पर क्या करते हैं कि जहां जहां पर जीरो लिखा होता है वहां वहां तो हम जीरो लिख देते हैं और जहां जहां हमारा कोई नंबर आता है वहां वहां हम वन लिख देते हैं तो यहां पर हमने लिख दिया जीरो जीरो क्योंकि ये जीरो था ये जीरो था यहां पर टू था तो उसकी जगह हमें वन लिख लेना है और वन की जगह हमें यानी जहां नंबर होगा वहां पर हमें वन लिख लेना है तो यहां पर हमने वन लिख लिया यहां पर भी हमने वन लिख लिया तो ये कैसा आया हमारा थ्री का कोड निकल के आ गया थ्री का कोड निकला यहां पर जीरो जीरो वन वन राइट अब यहां पर फोर को फोर के लिए निकालना है फोर के लिए कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं तो फोर के लिए क्या करना है अगर टोटल होगा, तो ये फोर बन जाएगा तो यहां पर क्या करना जहां जहां जीरो है वहां जीरो कर देना जहां पर कोई डिजिट आया है वहां पर वन लिख देना है यहां जीरो आया तो जीरो लिख दिया यहां जीरो आया तो जीरो फोर का कोड आपका बन गया फोर का कोड क्या बना आपका जीरो वन जीरो जीरो राइट अब इसके बाद आपका फाइव है फाइव फाइव को कैसे करते हैं फाइव को भी यहां पर देख लेते हैं फाइव है इसको कैसे करेंगे इसके लिए फिर अब फाइव में क्या करना होगा हमें यहां जीरो कर देते हैं फोर कर देते हैं प्लस जीरो जीरो लिख दिया यहां वन लिख दिया तो ये फाइव का कोड बन गया जीरो वन जीरो वन तो ये कहां पर है आपका इस वाले ऑप्शन में जीरो जीरो वन वन जीरो वन डबल जीरो और जीरो वन जीरो जीरो आपका थर्ड नंबर का जो ऑप्शन होगा वो इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा आई होप आपको VCD जो कोड है वो समझ में आ गया होगा इसको अगर आपने सीख लिया तो जान लीजिएगा कि आपका किसी ना किसी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कहा गया है ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया हो पर कोई बात नहीं यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल स्टैंडर्ड इनपुट एस्ट सिग्नल इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल नहीं है ये वैसे आप तो आपका कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है हालांकि इन्होंने सिलेबस में नहीं बताया कि हम कंट्रोल सिस्टम पूछेंगे पर इन्होंने एक दो क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से भी डाल दिए हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बस जनरली आपको इनका इंट्रोडक्शन वगैरह आपको पढ़ना होगा तो कोर्स में भी हम ये चीजें करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उससे उसके बाद जो एग्जाम का पैटर्न है उन सब चीजों को कवर करवाएंगे ठीक है अब यहां पर बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल के बारे में ये क्या होते हैं कंट्रोल सिस्टम में हमारे अलग अलग टाइप के टेस्ट सिग्नल होते हैं और यहां पर अगर हम बात करें अपने स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल की तो इसमें होता है सबसे पहले आपका एक इनपुट सॉरी यूनिट स्टेप सिग्नल कैसा होता है यूनिट स्टेप सिग्नल इसको बस थोड़ा जान लीजिएगा ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो बन जाना चाहिए ठीक है यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है कि जो आपका सिग्नल t इज इक्वल टू जीरो से शुरू होता है यानी कि टाइम जीरो है और उससे शुरू होता है और उसका मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है मैग्नीट्यूड यूनिट का मतलब कि वन होता है अगर मैं इस सिग्नल को बनाना चाहूं स्टेप सिग्नल को बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ अच्छे से देख लीजिएगा हो सकता है आगे चल के कभी ग्राफ पूछ लिया जाए इनसे रिलेटेड तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका जो आपका टेस्ट सिग्नल है उसके लिए क्या होगा कि यहां पर कह रहा है कि टाइम जीरो से शुरू हो जीरो से टाइम शुरू हो और इसका मैग्नीट्यूड बन हो मान लीजिएगा यहां पर मैग्नीट्यूड वन लिखा है यहां पर टू लिखा है तो मैग्नीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए बन होना चाहिए तो इस तरीके से जो सिग्नल आपका बन चुका है ये आपका इसको हम कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं स्टेप सिग्नल यहां पर आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड यहां पर बन है और इस तरीके से ये कॉन्स्टेंट सिग्नल बन रहा है इस तरीके से तो ये हो गया आपका कैसा सिग्नल स्टेप सिग्नल कैसा हो गया स्टेप सिग्नल जैसा ये फोर्थ थर्ड ऑप्शन में दिखा है ना ये ये सिग्नल है स्टेप सिग्नल ऐसा होता है अब इसके बाद इसको नोट कर लेना ठीक है क्योंकि आगे चल के हो सकता है इनके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से नॉर्मली पूछ लिया जाए कि कौन सा सिग्नल है ये इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एक रैंप सिग्नल रैंप सिग्नल रैंप सिग्नल रैंप सिग्नल में क्या होता है कि आपका रैंप सिग्नल जीरो से शुरू होता है और ये नेचुरली नेचुरली कैसा होता है लीनियर होता है नेचुरल कैसा होता है नी यहां पर लीनियर सिग्नल होता है वो होता है आपका रैंप सिग्नल यहाँ पर अगर हम इसको रैंप सिग्नल को बनाने की आ, के आपको बताएं यहाँ पर ग्राफ इसका यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा इन सभी चीजों को नोट करते जाइएगा आगे चल के आपको काम आएंगे ये सबकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर हम रैंप सिग्नल बनाए तो ये आर हो जाएगा यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ये और ये कैसा होगा लीनियर होगा लीनियर होने का मतलब इस तरीके से सिग्नल बनेगा इस तरीके का जो सिग्नल होता है वो होता है आपका रैम्प सिग्नल ये ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना तो ये होता है आपका रैम्प सिग्नल रैम्प सिग्नल इसके बाद आता है आपका एक और सिग्नल जो कि होता है इंपल्स सिग्नल यहां पर आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं ना इंपल्स सिग्नल इंपल्स सिग्नल क्या होता है कि यहां पर इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं इम्पल्स सिग्नल जो सिग्नल कम समय के लिए एक्ट करता है बहुत ही कम समय के लिए एक्ट करता है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होता है यानी कि इसके जो एक्ट करने का टाइम है वो बहुत कम है और एम्पलीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा होता है यहाँ पर अगर हम इस सिग्नल को बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का आपका इम्पल्स सिग्नल बन जाएगा जिसमें ये एंटी होता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है यहाँ पर चीजें और यहाँ पर अगर इम्पल्स सिग्नल बनाना चाहें तो ये बहुत कम समय के लिए एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये इसी लाइन पर हमें मिलेगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा तो ये बन जाता है आपका कैसा सिग्नल यहाँ पर इम्पल सिग्नल इसके अलावा फोर्थ नंबर का एक और सिग्नल होता है जो कि पैराबोलिक सिग्नल कहते हैं इसको पैराबोलिक सिग्नल सिग्नल जो कि आपका स्टैंडर्ड इनपुट तो डिस्कस करके बता दिए लास्ट इसमें एक फोर्थ नंबर का होता है जिसको पैराबोलिक सिग्नल कहते हैं जो पैराबोलिक सिग्नल होता है वो आपका जीरो से शुरू होता है और ये क्या करता है पैराबोलिक फंक्शन को जनरेट करता है पैराबोलिक आपने देखा होगा कि अगर हम कुछ इस तरीके से इस सिग्नल को डिनोट करना चाहे तो ये यह यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ पर ये यह पैराबोलिक सिग्नल हो जाएगा जो कि एक ऐसा स्लोप बना के देगा जो पैराबोलिक होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये जो सिग्नल आपका बनके तैयार हुआ है ये होता है आपका पैराबोलिक सिग्नल सभी सिग्नल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहां पर डायग्राम आपको दिखाया गया है वो बना लेना हो सकता है आगे कभी यहाँ पर पूछ लिया जाए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपके स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से इंपल सिग्नल आता है रेम्प सिग्नल आता है स्टेप सिग्नल आता है और पैराबोलिक सिग्नल आता है जबकि जो आपका स्पीच सिग्नल होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता स्पीच सिग्नल आपका नॉर्मली होता है जो आप बोल रहे हैं तो इस तरीके की फ्रिक्वेंसी यहां पर जनरेट करके देता है उसको हम स्पीच सिग्नल के अंतर्गत क्लासीफाई करते हैं इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें कहा गया है वट डज द पॉइंट ए इन द ब्लू सर्किट रीप्रेजेंट यहां पर आपको एक सर्किट दिखाया गया है जो कि नेटवर्क एनालिस के अकॉर्डिंग आता है और इसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है क्या है पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट में क्या है ये पॉइंट आपका एक जंक्शन भी है और एक नोड भी है देखो जंक्शन और नोड क्या होता है उसको समझ लीजिएगा नोड अगर हम बात करें सबसे पहले नोड की बात करें कि नोड क्या होता है नोड आपका जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं वो जगह आपकी नोड बनती है नोड से मतलब कि जहां पर आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मतलब क्या होगा? चाहे वो आपका कोई भी कंपोनेंट हो रजिस्टर हो कैपेसिटर हो कोई भी जहां दो या दो से ज्यादा आपके कंपोनेंट जुड़ते हैं वो बनता है आपका क्या नोड यहां पर कंडीशन क्या है कि मिनिमम दो तो जुड़ने ही चाहिए दो मिनिमम आपके कंपोनेंट यहां पर जुड़ने ही चाहिए जैसे यहां पर ए पॉइंट पर आप देख रहे होंगे कि ये एक रेजिस्टेंस आया और ये एक रेजिस्टेंस आया है जब यहां पर ये जुड़ गया तो यहां पर एक नोड बन गया ये नोड बन गया ठीक वैसे ही यहां पर भी एक नोड बन जाएगा यहां पर भी एक नोड बन जाएगा यहां पर भी एक नोड बन जाएगा क्यों बन जाएगा क्योंकि यहां से ये ये आपका एक एक डीसी सोर्स है है यहां से रेजिस्टेंस जुड़ा और यहां से ये तो नोड के लिए कंडीशन ये है कि मिनिमम दो एलिमेंट आपके जुड़ने चाहिए वो आपका नोड बनता है राइट नोड आपको क्लियर हो गया होगा अब यहां पर जंक्शन जंक्शन क्या होता है जंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि जहां पर आपके तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट जुड़े होते हैं वो आपका जंक्शन बनता है तो यहां पर ये ए पॉइंट जो है वो जंक्शन भी बना रहा है यहां पर नोट तो बन ही रहा है क्योंकि दो एलिमेंट तो जुड़ी गए अब यहां पर तीन एलिमेंट भी जुड़ रहे हैं ये रजिस्टेंस भी जुड़ गया ये रजिस्टेंस भी जुड़ गया ये रजिस्टेंस भी जुड़ गया तो ये ए ये पॉइंट क्या हुआ ये जंक्शन भी कहलाया अब यहाँ पर एक बात हो, ये होती है कि हर जंक्शन नोड होता है लेकिन हर नोड जंक्शन नहीं होता है क्योंकि जंक्शन के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि मिनिमम तीन एलिमेंट तो जुड़ने ही जुड़ने चाहिए और नोड के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि मिनिमम दो एलिमेंट तो जुड़ने ही जुड़ने चाहिए अब यहां पर मुझे आप बताइएगा एक जंक्शन आपको और कहां दिख रहा है तो एक जंक्शन मुझे यहां भी दिख रहा है क्योंकि जंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि तीन एलिमेंट जुड़ने चाहिए एक ये एलिमेंट जुड़ चुका है यहां एक ये एलिमेंट जुड़ चुका है यहां एक ये एलिमेंट भी जुड़ चुका है यहां तो यह बन गया आपका क्या जंक्शन यहां पर भी बन गया तो ए पॉइंट के लिए पूछा है तो ए पॉइंट पर जंक्शन भी है और एक नोड भी है तो यहां पर आंसर होता है ए ऑप्शन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है द ई बी ईवर्स मोल मॉडल जो है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है ईवर्स मोल मॉडल की बात करें तो इसको ई मॉडल भी कहते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग और ये मॉडल जहां पर यूज होता है ये होता है आपका बीजेटी यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए यूज होता है और इस मॉडल को इस मॉडल का दूसरा नाम भी होता है कपल्ड डायोड मॉडल तो इसका नाम याद रखना दूसरा नाम ये भी होता है दूसरे नाम से भी पूछ सकता है कि कपल डायोड मॉडल जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है तो वो आपके बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होता है और ये ई एम जो मॉडल होता है वो ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज किया जाता है

अगला क्वेश्चन क्वेश्चन यहां पर है, next दिखाया गया इसमें कहा गया है बूट स्ट्रैप लोडर कोड इज बूट स्ट्रैप लोडर कोड क्या है तो ये फर्स्ट कोड है जो कि मशीन को इनिस करने के लिए यूज होता है बूट स्ट्रैप लोडर कोड की अगर बात करें तो बूट स्ट्रैप एक ऐसा कोड होता है जिसको ट्विटर की तरफ से बनाया गया था और ये वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है जब आपकी वेबसाइट बनाई जाती है तो उनको काफी अच्छे तरीके से कस्टमाइज किया जा सके इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट का कस्टमाइजेशन से मतलब यह है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस में ओपन करें तो वो इजीली अच्छे तरीके के इंटरफेस के साथ ओपन होने चाहिए जैसे कि अगर आप पीसी में इसको ओपन करते हैं तो इसका पीसी के अकॉर्डिंग ओपन उप, होना चाहिए अगर आप इसे मोबाइल में यूज करते हैं मोबाइल में ओपन करते हैं मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार से इसके जो कस्टमाइजेशन है उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो बूट स्टैप लोडर कोड है और इसको 2011 में जो जो कि सॉरी हाँ ट्विटर कंपनी है उसने तरफ से इसको क्या किया गया था बनाया गया था तो ये फर्स्ट कोड है वेना मशीन इनसेलाइज तो मशीन जब स्टार्ट होती है तो उस टाइप पर यह कोड होता है अगला क्वेश्चन है आर आई एस सी आर आई एस सी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आर आई एस सी क्या है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर तो यहां पर फुल फॉर्म इसका हो जाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है जो कि कंट्रोल सिस्टम से फिर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है और इसमें कहा गया है इन ए पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फीडबैक सिग्नल इज डैश इन डैश विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल जो हमारे फीडबैक सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जब भी हम कंट्रोल सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि फीडबैक सिस्टम हम दो टाइप के यूज करते हैं और इसके लिए किस तरीके का डायग्राम बनता है एक अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें ये आपका कंपेरेटर होता है यहां पर आपका ये जी और इसके बाद इस तरीके से और यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं फीडबैक और यहाँ पर एच होता है और इस तरीके से यहां पर ये जुड़ जाता है ठीक यहां पर पॉजिटिव लिखा होता है तो ये आपका पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है यहां पर ये आर एस होता है राइट ये हो जाता है आपका पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट जो हमारा आउटपुट है वो हमारे इनपुट के साथ जुड़ रहा है जुड़ रहा है राइट और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि यहां पर नेगेटिव लिख जाता है ये पॉजिटिव लिखा है उसकी जगह पे क्या लिख जाता है नेगेटिव लिखा यहाँ पर हम शो कर देते हैं

बराबर फेज होना चाहिए जबकि जो नेगेटिव फीडबैक होता है यहां पर ध्यान देना पॉजिटिव फीडबैक पूछ लिया कभी नेगेटिव फूड अगर फीडबैक पूछे तो उसके लिए उसको हम जब अप्लाई करते हैं तो आउट ऑफ फेज में होता है वो कैसे में होता है आउट ऑफ फेज में होता है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है और आगे चीजें डिटेल में हम जब अपना कोर्स में कंट्रोल uh, सिस्टम को पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सब चीजें आपसे बन जानी चाहिए तो यहां पर हम इस सेकेंड uh, पार्ट को कंप्लीट करते हैं जो सेकंड पार्ट तक के क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है थर्ड पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं सो so, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना वीडियो को लाइक like करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग